नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं हिसार हरियाणा से और इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं, जो बहुत ही बड़ी संस्था है, इंडिया की नंबर वन संस्था है। ये संस्था गरीब, असहाय, बेसहारा, यतीम लोगों की मदद करती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। ये संस्था आपको हर तरह का रोजगार देगी। जो बेरोजगार व्यक्ति है, जो ये कहता है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं बिल्कुल निठल्ला खाली बैठा हूं, तो ये संस्था आपको काम देगी। लेकिन संस्था के नियम, कायदे कानून, रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन में रह करके यदि आप काम करोगे तो महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। ये संस्था इस बात की गारंटी लेती है कि जो व्यक्ति संस्था के कहे हुए अनुसार चलता है, नियम कायदे कानून के अनुसार चलता है, तो वो गारंटी सहित लाखों रुपए महीने के कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये सब दिखावा है, आजकल ऑनलाइन बहुत सी फ्रॉड सिस्टम आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये संस्था कोई दिखावा नहीं है। ये एक गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आपकी सोच, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है उसका माइंड। जिसकी जैसी सोच, वो ऐसा ही माइंड होता है उसका, और उतना ही रह जाता है। यदि वो ऊंचा सोचता है, यानी कि कुछ काम करने का सोचता है, कुछ जिंदगी में कुछ हटके करने का सोचता है, तो वो 100% कामयाबी हासिल करता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, तो वो वहीं रह जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। इसी सोच पे आधारित मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि एक बार सुबह सुबह का टाइम था और एक महात्मा जी घूमने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया चहचहा रही है, तो उसकी आवाज उनके कानों में पड़ी, तो महात्मा जी ने सोचा कि ये चिड़िया भगवान का नाम ले रही है। ये कह रही है कि राम दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, इस प्रकार से भगवान का नाम ले रही है। इतने में क्या हुआ कि एक राशन की दुकान वाला आ गया। राशन की दुकान वाला महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा जी, आप गलत बोल रहे हो, ये चिड़िया तो कह रही है जीरा धनिया अदरक, जीरा धनिया अदरक, ऐसे ऐसे बोल रही है। लेकिन कुछ ही पल के बाद एक फकीर आ गया और उस फकीर ने कहा कि आप दोनों गलत हो, ये चिड़िया कुछ और बोल रही है, और वह मैं बताता हूं आपको कि ये क्या बोल रही है। ये बोल रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। इतने में क्या हुआ कि एक पहलवान आ गया और पहलवान कहने लगा कि महात्मा जी, फकीर जी और दुकानदार साहब, आप तीनों गलत हो,
क्योंकि ये चिड़िया कुछ और बोल रही है जो मैं आपको बता दूं। तो पहलवान ने कहा कि ये चिड़िया बोल रही है दंड मुकदर कसरत, दंड मुकदर कसरत, दंड मुकदर कसरत। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसकी जैसी सोच होती है उसको वैसा ही मिलता है, वैसा ही दिखाई देता है, वैसा ही सुनाई देता है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी संस्था के साथ जुड़े, रजिस्ट्रेशन करवाएं। थैंक यू।